मेरा ड्रामा सीरियल दागे दिल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हम टीवी का यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बकवास बंद करो, जबान खींच लूंगा तुम्हारी। आराम से बात करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है अब्दुल जब्बार। मैंने तुमसे पूछा है कहाँ है मेरी बेटी? वो वही है जहाँ उसको होना चाहिए था। मियाँ क्या मतलब कहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए था? मैंने महानूर को तलाक दे दिया। भाई साहब क्या हुआ आपको? भाभी हदीम मुझे गाड़ी निकालो। सब तू इतनी घटिया हरकत कर सकते हो मैं सोच भी नहीं सकती। क्या गलत किया मैंने? कोई भी गैरतमंद बेटा होता वो यही करता। अम्मी ये तुम्हारी गैरत है कि एक मासूम और बेकसूर लड़की को तुम तनहा छोड़कर आ गए? आप भी तो मासूम थी, बेकसूर थी ना। क्या उसके बाप ने आप पर तरस खाया था? अब्दुल जब्बार एक वैशी दरिंदा तो था ही, लेकिन तुम में और अब्दुल जब्बार में कोई फर्क नहीं रहा। तुमने भी वही किया जो उसने किया था। मैंने मानूर से असली निकाह किया था अम्मी, उसकी इज्जत को इस तरह पामाल नहीं किया था। और मानूर को तो मैंने बहुत कम सजा दी है, उसका बाप तो भयानक सजा का मुस्तहिक था। क्या किया तुमने हाशिम? मैंने तुम्हारी खुशी की खातिर उसको कबूल कर लिया था, वो तुम्हारी बीवी थी। कोई अपनों के साथ भला ऐसा करता है? अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो? कोई क्यों करेगा मेरी बहन के साथ ऐसा? ना मैंने किसी के साथ कोई जुल्म किया ना मेरे बाप ने। महनूर को उसके बाप की सजा मिली है। तुम होते कौन हो अब्दुल जब्बार की सजा महनूर को देने वाले? सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह को। अगर तुम जब्बार से बदला नहीं लेते ना तो इससे ज्यादा दर्दनाक सजा देता अल्लाह उसे। लेकिन तुमने ये बदला लेकर ना उसका जुर्म हल्का कर दिया और खुद को गुनाहगार बना लिया। जाओ अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, महनूर को ले आओ वापस। वक्त गुजर चुका है अम्मी, मैं उसे तलाक दे चुका। अगर उसको छोड़ना ही था ना तो बाइज्जत तरीके से उसके बाप की दहलीज तक छोड़ कर आते। इतनी तो मर्दानगी तुम में होनी चाहिए थी हाशिम। ना जाने वो कहां रोल रही होगी बेचारी। जरूरी तो नहीं कि सबको मेरी तरह अकबर खान मिल जाए। अगर वो किसी बुरे शख्स के हत्थे चढ़ गई ना तो बहुत बुरा होगा हाशिम। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और ना ही मैं। आज तुम अकबर खान के बेटे बिल्कुल नहीं लग रहे, बिल्कुल उसकी तरह नहीं हो तुम, हरगिज नहीं हो। अम्मी 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 पानी लेकर आओ अम्मी। आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही। एक हफ्ते में ही मेरा दूसरा विजिट है। मैं आपकी कुछ मेडिसिंस बदल रहा हूं एक हफ्ते के लिए, इनको इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अम्मी ठीक तो हो जाएंगे ना? बस ये खुश रहा करें तो ठीक हो जाएंगे। असल में ये हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की मरीजा है। ऐसे में खून का दबाव यकदम बढ़ जाता है, पता नहीं चलता, तो ये कंडीशन बहुत खतरनाक हो सकती है। और कोशिश करें कि ये खुश रहें। जी जी मैं पूरी कोशिश करूंगी इनको खुश रखने की। ये मेडिसिन इनको इस्तेमाल कराएं, उम्मीद है कि ये ठीक हो जाए। मुझे इजाजत दीजिए। अम्मी अम्मी मैं पानी दूं आपको लाके? अच्छा अच्छा सब कोई जूस बना के पिलाती हूँ। फातिमा इससे कहो कि यहां से चला जाए, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अम्मी मैं हैरान हूं कि आप मानूर के लिए इतनी फिक्रमंद क्यों हैं? अब्बू के कातिल की बेटी है। कातिल की बेटी है? कातिल नहीं। जब उससे निकाह कर ही लिया था तो गैरतमंद आदमी की तरह उसे निभाते। लगा था कि आप खुश होंगे उसके जाने से।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। अपने आप से मैं शर्मिंदा हो गई। ऐसी तरबियत की है मैंने तुम्हारी? वो इसी बात की मुस्तहिक थी। और तुम किस बात के मुस्तहिक हो? अभी और इसी वक्त मानूर के पास जाओ और उसको बाहिफाजत उसके बाप के घर पर छोड़ कर आओ। उसके बाद चाहे उसका बाप उसका गला ही क्यों ना दबा दे। अब बहुत देर हो चुकी है, जरूरी नहीं है कि उनको डरना। बस कर दे भाई, बस कर दे। अभी अभी डॉक्टर कह के गए हैं अम्मी को स्ट्रेस ना दे और आप मजीद बहस किए जा रहे हैं। रोना ही बना के रख लिया है आपने हमें। आप जो कहें आप जो सोचें वही सही है। हम जो कहें आप जो सोचें उसकी कोई अहमियत ही नहीं है आपकी नजर में। अगर अम्मी को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। अम्मी आप लेट हैं, आराम कर रहे हैं। आप हमें मोची से चाय बना के लाते हैं आपके लिए। हजारों लोगों पर हुक्म चलाने वाले भाई साहब, आज खुद अपना हाथ नहीं उठा पा रहे। कैसा लग रहा है? असली मुझे लगता है कि शादी वाले दिन बेटी के भागने का हम ही विवाह होना भी चाहिए। पुश्तों से चली आ रही आपकी इज्जत तो कौड़ी की होकर। वैसे ये हाल तो गैरतमंदों का होता है, जो खुद दूसरों की इज्जत उछालते हैं। उनको इस हाल में देखकर बहुत अजीब सा लगता है, नहीं? आपको याद है कितनी बेइज्जती की थी आपने मेरे और मेरी माँ की जब आप कबीर का रिश्ता लेकर मेरे घर आए थे? क्या सोचा था?
भाभी बनाकर घर ले आऊंगा तो अपनी बेइज्जती भूल जाऊंगी। मैं भले ही ऊंचे खानदान की नहीं, मैं किसी से पीछे नहीं हूं। आपकी तरह बड़ी मुंतकिम मिजाज हूं। क्या करूं, जब तक बदला ना आए चैन ही नहीं आता। वैसे आपका ये हाल मेरी वजह से नहीं हुआ, लेकिन आपको इस हाल में देखकर बहुत खुशी होगी। आंसू, आंसू, इस हाल में आ गए हो तो अब रो रहे हो? अब रोने में देर नहीं करती हुँ? आप फिक्र मत करें भाई साहब, आपकी बहुत खिदमत करेंगे। अपने हाथों से सूप बनाकर डाल। आप तो कहाँ गए? बाबा जान, आप पानू की वजह से परेशान ना हो, वो बहुत जल्द हमारे दरमियान होगी। मानूर हमारे लिए मर चुकी है, तुम क्यों बार बार उसका जिक्र इनके सामने करके इनकी दिलाजारी कर रही हो? आइंदा महनूर का नाम अपनी जुबान पर मत लाना तुम। भाभी, इसके ससुराल वालों से बात करें, इसकी रुख्सती की तैयारी करें। कहीं ये भी महनूर की तरह। वो भाई साहब के लिए सूप बनाकर लेकर आई थी, अभी लाती। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने आई, खुशियों भरी, हर किस्म के ख्वाब से आजाद, सारी कश्तियां चला कर आई। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। हाशिम, ये तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया है मेरे साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं किया।
अनु प्लीज तुम वहीं पे रहना, तुम प्लीज वहीं पे रहना, मैं तुमको पिक करने आ रहा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मानू। मैं पहली फ्लाइट पकड़ के तुम्हारे पास आ रहा हूँ प्लीज मानू मेरी। हेलो हेलो मानू, दिल की नगरी में ये कैसे सितम हुए, घर से हम अपने कुछ ऐसे बेघर हुए, वादों पे जो तेरे एतबार था जो मेरा। फातिमा, अम्मी से कहना कि मैं मानू को लेने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। मैं जाहिद बात कर रहा हूँ। अभी कल मैं और मेरी बीवी आपके होटल में रुके हुए थे, मैं रूम नंबर 503 था। मैंने आज सुबह 6 बजे चेकआउट किया है लेकिन मेरी मिसेज वहीं पर हैं। आप प्लीज़ मेरी उनसे बात कराते हो, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हैं। उनका नाम मानूर है। आई एम सॉरी सर, आपकी मिसेज ने मज़ीद स्टे नहीं किया यहाँ पे। आपके बारे में आपकी मिसेज पूछ रही थी। फिर वो रूम खाली करके जा चुकी है। आपको पता है वो कहाँ है? मुझे इस सिलसिले में कुछ मालूम नहीं है। ओके सर। हेलो, हाँ आमिर यार, अपनी ट्रेवल एजेंसी फ़ोन करके बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे इस्लामाबाद के लिए एक एमरजेंसी में टिकट चाहिए यार। हाँ बस तू फ़ोन कर दे यार। थैंक यू थैंक यू, मैं बस पहुँच रहा हूँ। ओके सलाम अलैकुम। मुझे पता करना था कि इस्लामाबाद की कोई पहली फ्लाइट है आपके पास? किसी एयरलाइन की सर? किसी भी एयरलाइन से। चलिए वेट कीजिए सर, एक प्राइवेट एयरलाइन है जो इत्तेफाकन एक ही सिर्फ टिकट है, लेकिन वो सुबह 10 बजे है। 10 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा, उससे पहले की कोई भी नहीं है। सर फ्लाइट तो बहुत हैं मगर रिजर्व हैं सर। सर प्लीज़ कोशिश करें, कोई तो हल होगा, बस एमरजेंसी है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। सर एक ही सूरत है, अगर कोई फ्लाइट कैंसिल करवाता है तो आपको सीट मिल सकती है। ठीक है, मैं वेट कर लूँगा, आप प्लीज़ मेरा नंबर लिख लीजिए और जैसे ही कुछ होता है तो प्लीज़ मुझे कॉल बैक कर लें। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। करीम बैग निकालो गाड़ी से। क्या ढूंढ रहे हैं आप? मेरा फोन और बैग। ओह यही होगा, आपने गौर से देखा है क्या? गाड़ी में देखती।
ठीक से देखा है, नहीं मिल रहा। आप कहीं होटल में तो नहीं भूल आई? याद नहीं पड़ता मुझे, और किसी चीज की तो परवाह नहीं है, लेकिन उस फोन में मेरे सारे कॉन्टैक्ट सेव थे। आपके पास होटल का नंबर तो होगा ना? आप उन्हें प्लीज फोन करके कह सकते हैं कि मेरा बैग और फोन वहीं रह गया है, वो क्या तो मुझ तक पहुंचा दें या संभाल के रख लें। हाँ आप अंदर तो चलिए, मैं होटल से फोन करके मालूम करता हूँ। आइए। आइए। अस्सलामुअलैकुम मैम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब? जी मैम हम सब ठीक हैं। मैम आप इतनी जल्दी वापस आ गई? हमारे जल्दी आने की वजह ये खूबसूरत सी लड़की है, इनसे मिलिए, मानूर है ये। हाय मानूर। हाय मानूर। हेलो मानूर, कैसी हो? जाओ जाके राजता को बुला के लाओ। जी मैम। वालेकुम अस्सलाम। राजता आप सबसे पहले तो मानूर के लिए अच्छा सा नाश्ता बना दीजिए और फिर एक रूम इनके लिए तैयार कर दीजिए। ये सामान है इनका, ये वहाँ सेट कर दीजिएगा, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें लिस्ट बना के दीजिए, हम मंगवा देंगे। मैम हमारा भी तारुफ करवाएं मानूर से। हाँ क्यों नहीं। मानूर ये अंजुम है, ये मारिया है, ये फिरोजा है, और बाकी सब लड़कियों से तुम्हारी वक्तन फवक्तन मुलाकात होती रहेगी जब बाकी सब लड़कियां ऑफिस से आ जाएंगी। तो राजता आप ले जाइए इन्हें, महानूर बहुत थकी हुई है। आ जाए। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर मानूर, प्लीज तुम ये शादी मत करो, वो मेरे पास आ जाओ। मानूर तुम्हें किसी और का होते हुए देख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मानूर वल अब्दुल जब्बार से निकाह कबूल है? कबूल है। मैंने तुम पर जुल्म किया है, जो जुल्म तुम्हारे बाप ने मेरी माँ के साथ किया था उसके सामने कुछ नहीं। हाशिम ये तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया है मेरे साथ।
हेलो मानूर, तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो? अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन है आप और मानूर का है? मैं मिसेस रिजवान बात कर रही हूँ। लेकिन ये नंबर तो मानूर का है। जी नंबर तो किसी मानूर नामी लड़की का ही है, लेकिन आपका नंबर सबसे ज्यादा डायल हुआ हुआ था तो इसलिए आपको कॉल की है। आप हाशिम ही बात कर रहे हैं ना? जी जी मैं हाशिम बात कर रहा हूँ। मानू ठीक है? आप बुरा नहीं माने तो क्या आपसे पूछ सकती हूँ कि आप क्या लगते हैं मानूर के? मैं हस्बैंड हूँ उनका। सॉरी हाशिम साहब, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। आपकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? उन्होंने दरिया में कूद के जान दे दी। वो तो इत्तेफाक से उनका बैग वहां पड़ा रह गया, तो इसलिए मैं आपको कॉल करके इत्तला दे रही हूँ। बाद में दरिया से उनकी लाश तो निकाल ली गई, मगर क्या? मगर मैयत की हालत कुछ ऐसी नहीं थी कि और इंतजार किया जाता, तो अभी कुछ देर पहले ही हमने उनकी तदफीन कर दी। आपको बहुत ट्राई किया हमने, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था। हेलो 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 आपकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने दरिया में कूद के जान दे दी। दरिया से उनकी लाश तो निकाल ली गई, मगर मैयत की हालत कुछ ऐसी नहीं थी कि और इंतजार किया जाता, तो अभी कुछ देर पहले ही हमने उनकी तदफीन कर दी। हम अपने कुछ ऐसे बेघर हुए, वादों में जो तेरे एतबार था जो मेरा, कम ज़र्फ़ ज़माने के कभी ना कम हुए। दर्द की ठोकरें खिला के तू खुश रहा, कैद मुझको तू करके खुद भी ना होगा रिहा। लागे दिल दे गया क्यों भला, खुद से तू होगा ना खुद रिहा। लगता है जब्बार ने मानूर की मौत का बहुत असर लिया। आप ठीक कह रही है माँ जी, जवान औलाद का दुख काबले बर्दाश्त होता है। अल्लाह सब वालदैन को इस दुख से महफूज रखे। आमीन। हम तो वहाँ नहीं हैं, लेकिन इबाद को तो चाहिए वो कबीर से जाकर मिले, उसे हौसला दे। बेचारा पहले भतीजी की मौत और अब भाई की बीमारी सब अकेले बर्दाश्त कर। हाँ, पे दर पे कई वाकयात हो गए, और वो फैक्ट्री वाले वाकये में भी तो जब्बार का नाम आ रहा है। बहुत बदनामी की बात है। क्या आजमाइश है, क्या कहा जा सकता है। वैसे शहरियात ने कॉल की थी कबीर को, उसने रिसीव नहीं किया, हो सकता है बिजी हो। लेकिन मैं इबाद से कहूंगी वो लाजमी जाए वहां पे, जबार से इयादत भी करे और कबीर से भी लाजमी मिले। उसे जाना चाहिए। हाशिम के पास आने का मेरा एक मकसद ये भी था कि मैं अब्बा को सजा देना चाहती थी, और एक बेटी होने के नाते इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। को आपके संभल का वास्ता है, माफ कर दे मुझे, इससे मेरा कोई कसूर नहीं। कितना प्यार करती हो मुझसे? दुनिया में सबसे ज्यादा। और ये बात मैं कैसे मालूम? क्या ये काफी नहीं है कि अपना सब कुछ दांव पे लगा के यहाँ तुम्हारे पास आ गई हूँ?
आपकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने दरिया में कूद के जान दे दी। अरे तुम अभी तक बैठी हुई हो? पूरी रात का सफर किया है, मुंह हाथ धो लेती, फ्रेश हो जाती। बेगम साहिबा नाश्ते पे इंतजार कर रही हैं। ये कौन सी जगह है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो खुद यहाँ पे मुलाजमा हूँ। तुम बेगम साहिबा से खुद ही पूछ लेना। मैं ऐसे करती हूँ, तुम्हारा नाश्ता यहीं भिजवा देती हूँ। मेरे बच्चे मुझे बताओ, मेरा दिल फट जाएगा। क्या हुआ है? मानूर मर गई। मर गई। खुशी कर रही उसने। बेवफाई ने उसकी जान ले ली, जान ले ली। जी मिनिस्टर साहब, अब तो आपकी हुकूमत भी आ गई है, तो हमारे भी कुछ काम हो जाने चाहिए। हम आपसे बाद में बात करते हैं। आओ। आओ नाश्ता करते हैं मिलके। वैसे हमारी आदत है कि हम हमेशा मेहरबान के साथ नाश्ता करते हैं, लेकिन आज पहली बार हम तुम्हारे साथ नाश्ता करेंगे। बैठो। वैसे हम सोच रहे हैं कि अगर आप कहें तो आपके वालदैन के यहाँ छोड़ आए आपको। वो आप मुझे कबूल नहीं करेंगे। ये खौफ है आपका, हमें पूरा यकीन है कि जब आप उनको अपने ऊपर गुजरी हुई तकलीफ के बारे में बताएंगी तो वो माफ कर देंगे आपको। मानूर, आप बहुत मासूम हैं और ये दुनिया बहुत जालिम है। अपनी तारीफ नहीं कर रहे, मगर खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि हम आपको मिल गए वक्त पे, वरना अगर आप किसी और के हत्थे चढ़ जाती तो न जाने क्या सलूक होता आपके साथ। खैर, आपके पेरेंट्स की तरफ ना सही, हाशिम के घर